मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गरीबों के आवास के लिए 5 लाख, किसानों का 100% कर्ज माफ, किसानों को फ्री बिजली, पेंशन जैसे कई बड़े वादे सपा ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी जो घोषणा करती है उसे पूरा करके दिखा सकती है। उन्होंने यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी कथनी को करनी में बदलकर लोगों के लिए एक मिसाल पेश कर चुकी है। मैं सभी अपने उपस्थित प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के लिए समाजवादी पार्टी ने जो आज घोषणा पत्र जारी किया है, मुझसे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरण नंदा जी ने कहा कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है, समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, समाजवादी पार्टी ने अपनी कथनी और करनी में कभी भेद नहीं रखा है, और अगर कोई बात घोषणा पत्र में रखी है और जब कभी समाजवादियों को मौका मिला है, शत प्रतिशत समाजवादी लोगों ने उसको अमल में लाने का काम किया है। मुझे याद है नेताजी और तमाम हमारे सभी वरिष्ठ नेता आदरणीय आजम खान साहब से लेकर के बहुत सारे नेताओं ने जो उस समय मौजूद थे 2012 में उत्तर प्रदेश का घोषणा पत्र जारी किया था, और जब तक हम चुनाव में गए थे 90% से ज़्यादा घोषणा पत्र को समाजवादी सरकार ने लागू किया था। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता के सामने समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र रखा है। समाजवादियों का ये मानना है कि जब तक गांव गरीब और किसान खुशहाली के रास्ते पर नहीं जाएगा, तब तक प्रदेश और देश खुशहाली के रास्ते पर नहीं जा सकता। जब ये नारा हो कि सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़े हों, अगड़े हों, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हों, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा और उनको हक नहीं मिलेगा, तब तक विकास अधूरा है। इसलिए घोषणा पत्र हम जारी कर रहे हैं। समाजवादियों का घोषणा पत्र दूसरों की तरह नहीं है कि केवल वोट लेने के लिए घोषणा पत्र हो, वोट लेने के लिए कोई संकल्प पत्र जारी करें, वोट लेने के लिए कोई दृष्टि जैसा एक पत्र जारी करें। समाजवादी पार्टी का ये घोषणा पत्र उसको अमल करने के लिए है। हालांकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी कई सीटों पर सहयोग लिया है। हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के सदस्य जीत करके आएंगे। जो घोषणा पत्र में चीजें शामिल की हैं, अभी तक जो सरकारें आई हैं उन्होंने गरीब के लिए आवास कैसे दिए हैं, सबसे बड़ी सवाल यह है कि आवास कैसा मिले उन्हें। समाजवादियों का मानना है अगर आवास उनको बनाना है, आवास अगर उन्हें मिले तो पैसा ज्यादा हो, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोगों ने लोहिया आवास के नाम पर जो आवास गरीबों को दिए थे वो 3,05,000 के दिया था, जिसमें कि सोलर पैनल होता था, 2 LED बल्ब होते थे, 2 पंखे होते थे, और बाद में एक स्विच बोर्ड लगाया जिससे कि मोबाइल को भी वो चार्ज कर सकें। हमारा ये मानना है समाजवादियों का कि मध्य प्रदेश में जो गरीबों को हम आवास देंगे वो 5 लाख रुपये का गरीबों का आवास होगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 3,05,000 का लोहिया आवास बनाया था, उससे बेहतर मध्य प्रदेश के गरीबों को आवास देने का काम, जिसका लगभग 5 लाख की कीमत होगी। इसी तरह किसान जो सबसे दुखी है, सरकारों का ये दावा रहा कि किसान खुशहाली के रास्ते पर है, कई बार वो आंकड़े भी पेश करते हैं, लेकिन न केवल मध्य प्रदेश का किसान बल्कि देश का किसान संकट में है। उत्तर प्रदेश को करीब से देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी वादा किया है उस वादे को पूरा नहीं किया। यहां पर जितनी भी फसलें हुई हैं अभी तक किसानों को जो कीमत मिल जानी चाहिए नहीं मिल पाई है, और उसी का परिणाम है कि देश भर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
जो आंकड़े बताते हैं पिछले 4.5 साल में और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, करीबन 40,000 किसान 4 साल से ज्यादा में आत्महत्या कर चुके हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी का ये दावा करना कि उनकी आय हम दोगुनी कर देंगे, हम जानना चाहते हैं कि क्या तरीका आपने अपनाया जिससे आय दोगुनी हो जाए। आय दोगुनी हुई नहीं, पैदावार में लाभ हुआ नहीं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, डीएपी खाद का इंतजाम नहीं, तो आखिरकार कैसे आय बढ़ेगी? ये धोखा देने का काम किसानों को किया है।